मंगलाचरण भर्तृनाथ के कथन के अनुसार करके चालू करेंगे आगे। दिक्कालाद्यवचिन्न अनंत चिन्न मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यै क्रमाय नमः शांताय तेजसे। तो आदिदेव को प्रणाम करने के बाद अपन आज चालू करेंगे कैंसर, आयुर्वेदिक व्यू ऑफ कैंसर। इसमें सबसे पहली बात यह है कि कैंसर ये एक आंग्ल संज्ञा है जिसको आयुर्वेद में लिखा हुआ होना संभव नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी बाद में टर्म की हुई संज्ञा है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे विद्वानों को जो है कैंसर जैसी बीमारियों का पता था नहीं और वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते थे। असल में बात यह है कि हमारे विद्वानों ने अपनी परिभाषा में उसको वर्णन करके रखा था और उसको समझ करके अगर आगे चले जाए तो आज भी वही व्याधि वही रूप में वैसे ही उत्पन्न होती दिखेगी, वही चीज आपको मिलेगी और वही दवाइयां आयुर्वेद के ग्रंथों में जो चरक ने दी है वही प्रयोग करके लोगों को ठीक होते हुए भी देखा जा सकता है। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ग्रोथ होती है से देह की, देह की ग्रोथ जो होती है वो शरीर के सेल्स के वृद्धि के कारण होती है और उसमें चरक महात्मा कह के गए हैं कि तेषां संयोग विभागे परमाणुनाम कारणम वायु कर्म स्वभावश्च। अब ये दो चीजें हैं कि शरीर के परमाणुओं का विभाजन करने के लिए और वृद्धि करने के लिए वायु ये सबसे बड़ी कारण भूत हेतु है और वो उसके आगे जो चीज लिखी है कर्म स्वभावश्च ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस पे चक्रपाणि ने कहा है कि तद अनेन कथनेन कर्म स्वभाव प्रेरितो वायु परमाणु नाम संयोग विभागे कारणम भवति। अब ये कहने के बाद आपके शरीर के ये थोड़ा सा जेनेटिकल व्यू हो जाता है मॉडर्न के हिसाब में देखेंगे तो, कि जो भी आपके शरीर का आकृति है प्रत्येक शरीर की वृद्धि है अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार है, अलग अलग ऑर्गन्स में जो विकृति है या चेंजेस है वो जो डेवलप होते हैं वो कर्म स्वभाव के कारण प्रेरित जो वायु होता है वो जो शरीर के परमाणुओं का विभाजन करता है उसकी वजह से होते हैं। तो इसी तरह से ये पक्का है कि शरीर में कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसका कारण कर्म स्वभाव से प्रेरित हुआ वायु रहता है। अब ये कैंसर के ऊपर अपन जाएंगे तो कैंसर एक ऐसी चीज है कि जिसमें वृद्धि होती है शरीर के अन्य स्रोतों में विभागों में अवयवों में वृद्धि को देखा जाता है और त्रिशोथी अध्याय में चरक महात्मा कह के गए हैं कि अनेन कथनेन द्विविधाशोथो त्रिविधो सप्तविधो वा, और आगे लिखते हैं कि वृद्धि सामान्य च्वयथु एकः। तो शरीर में कुछ न कुछ चीज का बढ़ना या आकार की वृद्धि होना इस ढंग से देखा जाए तो जो भी बढ़ेगा वो शोथ कहलाएगा। ये आयुर्वेद में कहा चरक महात्मा कह के गए हैं कि वृद्धि सामान्य च्वयथु, जहां भी बढ़ेगा वहां शोथ होगा। इसी तरह से अपन देखते चले जाएंगे तो जो कैंसर के सेल्स है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेल्स जो है वो क्रमशः अपना डिफरेंशिएशन खो देते हैं और बुदबुद आकार में बबल्स जैसे होते हैं वैसे बनते चले जाते हैं, जिनका कोई एम टारगेट नहीं होता और वो अन्यान्य तरीके से अपने
अचानक से बढ़ते 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 ही चले जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये अपन साबुन के पानी के ऊपर जैसे बुलबुले तैयार होते हैं, उसी तरह के से ये बुलबुले शरीर के किसी भी धातु में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी स्रोतस में तैयार होने लग जाए दोषों के ऊपर, तो अपन उसको कैंसर बोलते हैं ये आधुनिक वाले। तो उसको अपने को आयुर्वेद से समझते हुए जहां वृद्धि है वहां वो दोषों के कारण है, तो उसको शोथ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। रादर यही उसका इलाज है कि यही हम पकड़ के चलेंगे तो तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। अब शोथ के ऊपर देखा जाए तो शोथ के व्याख्यान में बहुत सारी चीजें आई हुई है, निदान आए हैं, आगे मैं निदान प्रोजेक्ट कर दूंगा एक एक स्लाइड में, मगर इतना तो पक्का समझना है कि जैसे जैसे स्रोतस चेंज हो जाएंगे वैसे वैसे प्रेजेंटेशन बदलेगा, वहां से वैसे सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे, मगर एक कॉमन कोई सिम्टम्स शोथ के जो पुस्तक में बताए हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं और वो हर पेशेंट में दिखते ही है। इसलिए इन सिम्टम्स को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है और चिकित्सा करते हुए भी इन सिम्टम्स को अंत तक देखते रह के ट्रीटमेंट सफल हो रही है कि नहीं, ये इसी सिम्टम्स के में पड़ने वाले फर्क के आधार पर निश्चित किया जाता है। तो पैथोलॉजी अलग अलग हो सकती है। अब आप कहोगे कि कैंसर शरीर में इधर होता है तो अलग नाम मिलता है, दूसरे स्रोतस में होता है तो अलग नाम मिलता है, कोई सार्कोमा कहता है, कोई मायोमा कहता है, कोई और अलग अलग चीजें कहते हैं, एडिनो कैर्सिनोमा बोलते हैं, कोई इपिथेलियोमा बोलता है, कोई मेलानोमा बोलता है, कुछ भी अलग अलग ऑर्गन और इसके हिसाब से मॉडर्न लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको नाम देते हैं, मगर आयुर्वेद के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में शोथ की संप्राप्ति में चरक ने जो बताया है वो कोई भी एक स्रोतस का नाम नहीं लिया है। बाह्या शिरा प्राप्य यदा कफाश्रु पित्तानि संदूषयति है वायु, बाह्य स्रोतस, बाह्या शिरा, इसका एक्सप्लेनेशन टीकाकारों ने दिया है कि बाह्या इति अगभीरा शिरा, अगभीरा शिरा अर्थात उत्तान, जिस जो भी धातु है उसके उत्तान बाहरी सतह में जो भी चैनल्स हैं वहां जो भी दोष इकट्ठा हो जाएंगे और वृद्धि होने लग जाएगी तो उसको आप शोथ बोल सकते हैं, उस स्रोतस के विशिष्ट शोथ के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। और यही ये है कि सार्कोमा हो तो अपने पास अलग ट्रीटमेंट है, ये इपिथेलियोमा है तो अलग ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है, हम सब उसको शोथ कंसीडर करके चलते हैं, तो एक ही ट्रीटमेंट से सार्कोमा भी ठीक होता है और इपिथेलियोमा भी, एडिनोकार्सिनोमा भी, सारे एक ही तरह से ठीक होते हैं। अब बात ये रहती है कि थोड़ा सा अपन आगे चले जाए, कैंसर को अपन टेक्निकली आयुर्वेद के हिसाब से देखे तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है ब्लड कैंसर्स और दूसरा है ब्लड कैंसर्स को छोड़ करके बाकी सारे कैंसर्स। तो ब्लड कैंसर को क्लिनिकली अलग से देखने की वजह यह है क्योंकि वो उसकी संप्राप्ति अलग है, वहां आपको शोणित गत जो भी पदार्थ है उनकी वृद्धि मिलती है और उसके बाद में उपद्रव जब बहुत बढ़ते हैं तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, मगर उसका सारी संप्राप्ति जो है वो प्लीहोदर की संप्राप्ति में चली जाती है, क्योंकि प्लीहा के वृद्धि के जो कारण बताए हैं वहां पे चरक महात्मा लिखे हैं कि वामो पार्श्वास्थितः प्लीहा च्युतः स्थानात् प्रवर्धते, और सेकंड लाइन है
ये आपके कैंसर्स की पूरी एक्सप्लेनेशन देती है, ब्लड कैंसर्स की। शोणितम वा रसादिभ्यो विवृद्धा तम विवर्धे। तो शोणित ये अन्य धातुओं जो है बॉडी के, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, सारी धातुएं जब एक अपना स्थान छोड़ करके विकृत होके शोणित में पहुंच जाती है, तो वो शोणित की वृद्धि करके शोणितज वृद्धि या प्लीहोदर का उत्पन्न करती है। और यही हाल देखा जाता है ब्लड कैंसर्स के डिफरेंट टाइप्स में। ब्लड कैंसर मतलब हमेशा जो आता है कि ल्यूकेमिया ही है, ऐसा नहीं है। ल्यूकेमिया भी केवल होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत से लोगों में प्लेटलेट्स भी अतिशय मात्रा में बढ़ते हैं, कई लोगों में आरबीसीज भी अतिशय मात्रा में बढ़ते हैं, तो उनको भी आयुर्वेद ने कंसीडर करके रखा है। और उन सबका वर्णन है आता प्लीहोदर के अंदर ले करके उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। दूसरे टाइप का जो वृद्धि है, जो अलग अलग स्रोतों में शरीर के अवयवों में दिखता है, उसमें त्रयशोथा भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ता पुनर्द्विधा निजागंतु भेदेन। और उसके आगे लिखा है कि तीन, एक एक दोषज है, तीन द्वंद्वज है और एक सन्निपातिक है शोथ। इस तरह से सात प्रकार के शोथ बनते हैं। अब ये सन्निपात जो अवस्था है, सन्निपात की अवस्था है, वहां पे आपको विशेषतया अनकंट्रोल्ड या दुष्चिकित्सीय रोगों की उत्पत्ति होती हुई देखती है। वहां वहां वो सन्निपातिक अवस्था में को इंडिकेट करती है। 25वें अध्याय में सूत्र स्थान के वो आ गया है सूत्र की सन्निपात तो दुष्चिकित्सा नाम। चिकित्सा करने के लिए अत्यंत कठिन वस्तु जो कोई होगी तो सन्निपात है, क्योंकि वहां दोष एक दूसरे के ऊपर का जो खुद का अंकुश है वो खो चुके होते हैं। इसलिए सन्निपात को तोड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और जो करनी पड़ती है। वो जो बीए किए बगैर अगर हम किसी इस अवयव में वृद्धि है, इस स्रोतस में वृद्धि है, उतनी ही नष्ट कर दे या वो अवयव निकाल के रख दे, तो अवयव निकालने से आपका अवयव तो चला जाएगा, ग्रोथ उस समय जो लग रही है वो तो निकल जाएगी, मगर वो ग्रोथ बनने की जो अंदर संप्राप्ति घटित है वो जाती नहीं है। इसलिए आपको ऐसे लोगों में जो कि क्लेम किया जाता है मॉडर्न के द्वारा कि हाँ हाँ जी हमने निकाल दिया और अब ये ठीक हो गया बंदा, और वो साल डेढ़ साल इधर उधर जाता है, कई लोगों में तो उससे भी कम टाइम में रिकरेंस आ गया, जी अब क्या करोगे। तो रिकरेंस आने का मतलब सीधा यही है कि संप्राप्ति को आपने तोड़ा नहीं था, आपने केवल ऊपर ऊपर की घास काटी थी, नीचे से बढ़ती चली आई, तो फिर आप परेशान हो रहे हो कि घास तो गई नहीं। ये आजकल के ट्रीटमेंट का विधान है। और आयुर्वेद इसीलिए बोलता है कि सन्निपातिक शोथ अगर तोड़ना है तो सन्निपातिक शोथ को तोड़ने के लिए शोथ की संप्राप्ति उस स्रोत समय जा करके आपको तोड़नी पड़ेगी। कारण दिए हुए हैं। एक इस संबंध में मैं बात करूं कि तो सन्निपात के शोथ, सन्निपात के जो हेतु दिए हुए हैं, यहाँ तो शोथ के हेतुओं को मैंने स्लाइड बना के भेजा है आपके सामने, सारे के सारे इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में जब भी वात की वृद्धि हो जाए, आपके शरीर को आयास हो जाए। आयास का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपके शरीर में प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर वेट के साथ प्रॉब्लम हो जाए मेटाबॉलिज्म में, ऐसी सारी वस्तुएं आपको इधर मिलेगी और वात वृद्धि करने वाले सारे हेतु मिलेंगे। सन्निपात के हेतु जो बताए गए हैं वो आप को याद होगा, चरक महात्मा ने सन्निपात ज्वर का जो विधान दिया है, वहां पे सन्निपात ज्वर के हेतुओं में सामान्यतया सन्निपात को होने के लिए कारणीभूत होने वाले सारे व्याधियों,
हेतुओं का एकत्रित गणन किया है और वो अन्य जगह पे रिपीट नहीं हुआ है। वो इसीलिए रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि चरक महात्मा कह के गए कि एक चीज एक ही बार बताऊंगा और वो आपको हर जगह पे उठा करके जोड़ के देखनी पड़ेगी। तो अर्थात ये जो सन्निपात के ज्वर में जो हेतु बताए हैं वो हर जगह हर संप्राप्ति में जहां भी आपको सन्निपातिक व्याधि मिलती है वहां वहां पे ये हेतुओं को एक्सटेंड करके आपको देखना है। उसी तरह से शोथ में भी देखना है। तो वही सन्निपात बनने के हेतु और ये शोथ के हेतु, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब जाके सन्निपातिक शोथ की उत्पत्ति होती है। अब ये सन्निपात होने वाले व्याधि हेतुओं में आप देखेंगे तो एक दुर्दैव या कर्म विपाक, ये एक बहुत बड़ा कारण चरक महात्मा कह के गए हैं कि यूं ही किसी को नहीं होगा। सन्निपात होगा और चिकित्सा करने पे वो ठीक होना चाहिए कालांतर से ही सही, मगर अगर वो चिकित्सा को आपकी नष्ट कर रहा है तो सीधा सीधा आयुर्वेद का जो वर्णन है कि क्रियाघ्नाः कर्मजा रोगाः, तो जहाँ क्रिया को नष्ट करते हुए रोग दिखते हैं या क्रिया आपके द्वारा जो चिकित्सा आरंभ की गई है उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसी जहाँ स्थिति आती है वहां उस व्याधियों में जरूर कर्म का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। ये पक्का ध्यान में रख के आपको आगे चलना पड़ेगा और फिर उन कर्मों की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तब जा करके आप जो है इसको ठीक कर पाओगे। हमारे यहाँ एक, मैं यूनिवर्सिटी एक बार गया था नासिक में, तो वहां पे एक वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने बोलते बोलते मुझसे कह दिया कि आई वॉन्ट टू सी द कैंसर इन द जोडियक साइन ओनली, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस नेम। तो मैंने कहा कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि कर्मज व्याधि है, तो जहां भी कर्म आप उस आदमी को फल देने पे उतर आएंगे वहां ये व्याधि जरूर मिलेगी। आपको केवल जोड़ियाक साइन में मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो बोले क्या ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ हाँ साहब ऐसा ही होता है, और ये कर्म का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है तभी ये व्याधि बहुत तेज तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी आपको अरिष्ट दिखा करके उस आदमी की जान लेने पे उतर आता है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा वो इंद्रिय स्थान की जो विकृति के विभाग दिए गए हैं, लक्षण निमित्ता, लक्षण निमित्ता और निमित्ता अनुरूपा, वो भी आपको देखने के काबिल है, और वो देखते हुए आप समझेंगे कि ये जो है कई विकृतियां ऐसी होती है जो कि शरीर में कर्मों के विपाक के कारण उत्पन्न होती है। वरना अनेकों महात्माओं को मैं जानता हूं जो कि उम्र के अंत तक अपने काम करते रहे और प्राणी कल्याण का काम करते रहे, कभी कुछ उन्होंने उल्टा सीधा कर्मज दोष नहीं रखे हैं खुद में, मगर अंत में जा करके बिल्कुल 93 साल की, 94 साल की, 95 साल की उम्र में अंत में बिल्कुल मेरे को फोन करके उनके रिलेटिव्स बता देते कि सर सब तो सर अच्छे थे मगर अचानक से उनको जो है ये इधर कहीं ग्रोथ मिल गई है और वो अचानक से बढ़ रही है, अब उसको क्या करें। तो मैंने 2-3 लोगों को, ऐसे महात्माओं के दामाद जी थे, बच्चे थे, उनको वही बताया कि यार ऐसा है कि थोड़ा सा काल की गति को समझो, वो ग्रोथ नहीं है, वो कैंसर नहीं है, वो उनकी मौत है जो लेके जाने के लिए आई है, और उसका प्रतिकार करना है तो उसके रूप अलग है, उसके उपाय अलग है, उसके ढंग से करो। और अब 94 साल की उम्र में तुम्हारी चाह क्या है कि वो कितना, और तो
कर्मज व्याधियों में ऐसे जगह पे आयुर्वेद ने जो विधान दिया है कि महामृत्युंजय का जाप करा करके अगर अरिष्ट अकाल में आया हुआ है तो उसका प्रतिकार किया जा सकता है, और अकाल मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए महामृत्युंजय का जैसी साधना का प्रयोग करके फिर साथ में चिकित्सा का प्रयोग हो वो चिकित्सा आगे चल सकती है। वरना केवल चिकित्सा करने जाओगे तो कर्मज होने की वजह से वो आपकी चिकित्सा को नष्ट कर देगी, चिकित्सा के प्रभाव को प्रकट ही नहीं होने देगी। इस तरह के सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं, और जिसका कि हाल में ही प्रज्ञान जी ने काफी अच्छा अनुभव भी लिया हुआ है। तो इसी तरह के आपके सामने भी सारे पेशेंट्स आ सकते हैं। तो अब बात ये होती थी कि अभी अभी चालू होने से पहले मैं बात ही कर रहा था कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ से लिंक मिलता है, कहाँ से थिंकिंग मेरे को मिल गई। तो ये अपने रसायन अध्याय में एक केवल आमलक रसायन विधि करके बताया गया है तृतीय पाद में चरक महात्मा के द्वारा, और जिसमें कि आंवले के पेड़ के ऊपर ब्राह्म मुहूर्त में चढ़ करके, आंवले के पेड़ के ऊपर चढ़ करके वहीं पे ब्रह्मा का स्मरण करते हुए आंवले बैठ करके पेट भर खाने का विधान बताया गया है। तो उस समय मेरे को मेरे पीजी के दरमियान ओरल में एक द्रव्य गुण में हमारे उचित एग्जामिनर थे विद्वान, उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई ऐसा है कि सही जगह है, सब जगह दी हुई है, आंवले इतने मिलते हैं मार्केट में, बोरों से ला करके घर में आराम से खा सकते हैं। ये बोले पेड़ के ऊपर चढ़ के आंवले खाने का जो विधान बताया है, ऐसे पागलपन की हरकतें क्यों आयुर्वेद में बता के रखी है। तभी मेरी बुद्धि चालू हो गई थी और मैंने उनको कहा था कि नहीं सर, इसमें बहुत बड़ी चीज दे रखी है, और ये चीज ऐसी है कि उसी समय एक बीबीसी में से भी एक प्रोग्राम आया था कि ऊंटों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि यह ऊंट है या और भी प्राणी है तो ये झुंड में होते हैं और चरने के लिए बाहर निकलते हैं, तो निकलते हैं एक पेड़ के पास, पूरा झुंड पहुंचता है, फट 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 ऊपर के अपने मुंह के रेंज में आने वाले सारे पत्ते 5 मिनट के अंदर जितने खा सकता है खा लेता है, और 5 मिनट के अंदर वहां से निकल करके दूर कहीं दूसरे पेड़ के ऊपर पत्ते खाने के लिए पहुंच जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे आपके पास आपने गाय भी होगी या जानवर भी रखे होंगे, वो सारे जानवर जो है कभी एक जगह पे चरते नहीं है, आपने छोड़ दिया सारे जाएंगे एक जगह, थोड़ा खाएंगे 5 मिनट के अंदर जितना खा पाए उठेंगे, वहां से बिल्कुल दूर निकल करके जाएंगे और वहां चरेंगे, उसके बगल में घास होगी मगर वो उसको खाएंगे। तो ये जो चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, इसमें एक बहुत बड़ा केमिकल चीज बताई है कि प्लांट्स जो है वो अगर उनके ऊपर अटैक होने लगता है तो वो अटैक को सेंस करते हैं, और एक 200 मीटर की डिस्टेंस के अंदर जितने भी दूसरे प्लांट्स हैं सबको मैसेज भेजते हैं कि कोई ना कोई आपको हर्ट करने आ रहा है, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स अपने पेरिफेरल ऑर्गन्स जो है उसमें टैनिन एक्स्ट्रा सीक्रेट करके खुद का टेस्ट बिगाड़ के रख देते हैं। इसलिए कोई भी जानवर का झुंड आप देखेंगे तो 200 मीटर के गहरे में जो वापस बगल में अच्छी घास होगी तो भी चरने नहीं मुंह लगाता, वो दूर जाता है 200 मीटर और वहां पे खाना चालू करता है, वहां पे भी यही टेक्निक लगाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं मैंने कहा कि विधान है कि आपके यहाँ ऐसी विधाई विधि बताई गई है कि आंवले के पेड़ के ऊपर चढ़ करके आंवले खाने, आंवले के पेड़ के ऊपर चढ़ के कांटीले पेड़ के ऊपर आदमी 5 मिनट से ज्यादा बैठ ले तो
मेरे को करके दिखाए कि मैं, हाँ जी, 15 मिनट ऊपर पलथी लगाए बैठा हूँ और आमले खा रहा हूँ। हो नहीं सकता, उसको उतरना ही पड़ता है। और यही चीज है कि आमले के सारे गुण आपको जो है तभी मिलेंगे रसायन के लिए जब आपका आमला इस तरह से करप्रचितीय होगा, हाथ में से तोड़ा गया होगा, और वो भी 5 मिनट के अंदर तोड़ा जाना चाहिए। 5 मिनट के अंदर जितना आमला निकलेगा निकलेगा, उस दिन उस पेड़ को छोड़ देना है, दूसरे दिन जा करके फिर दूसरी बार तोड़ सकते हैं आप। इस तरीके से किए हुए आमले वही आपको रसायन का असली गुण दिखा सकते हैं, वरना अगर आप डंडा लेके पीट करके आमले गिराते हो और मार्केट से ले आ करके खाते हो तो वो आमले आपको मधुर नहीं लगेंगे कतई, क्योंकि उसमें टैनिन सीक्रेट हो चुकी होती है, और इसीलिए आप बाजार के आमले आपको हमेशा कषाय और इस तरह के रस के ज्यादा लगेंगे, बाकायदा की मधुरता उसमें प्रकट नहीं होती। और यही चीज को हमारे यहाँ देखा है और यूटिलाइज किया है। और फिर ये रसायन पढ़ाते हुए जब मैं आगे चला गया तो रसायन के पहले ही बताया गया था कि गवाम मध्य वसेत सदा आसंवत सरात वर्ष, तो 1 साल तक गायत्री मनसा ध्यायन गवाम मध्य वसेत सदा, और गायत्री का ध्यान करते हुए 1 साल तक गायों के बीच में ही रहे, गायों के पीछे घूमे, गाय जहां जाएगी वहां जाए, गाय जो देगी उतना ही आ संवत्सरात वर्षात, 1 संवत्सर तक आपको उसको पालन करना है। और फिर ये करने के बाद आपके यहाँ लिखा है कि सावित्री मनसा ध्यायन, तो सावित्री ये जो शब्द है वहां से हमारे दिमाग की बत्ती वापस से चालू हो गई। मैंने कहा ये सावित्री कौन सी सावित्री है, तो सावित्री का देखते देखते हम पहुंच गए पुराणों में। पुराणों में ये सावित्री व्रत करके दिया गया हुआ है, और ये व्रत वैसा ही है जैसा चरक ने कहा है कि सावित्री मनसा ध्यायन गवाम मध्य वसेत सदा, और गाय जो देगा देगी वही चीजों को खाना है, वही गाय जहाँ रहेगी वही रहना है, गाय की सेवा करनी है, गाय का दूध पीना है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अब ये करने के बाद आपको जब आपके शरीर की शुद्धि हो जाए, दोषों की शुद्धि हो जाए, तब जा करके आपको आंवले के पेड़ के ऊपर पौष मास में पुष्य नक्षत्र पे चढ़ करके आंवले खाने हैं सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे। तो इस सारी चीजों को हम थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, साइंटिफिक दृष्टिकोण आपने जिसको कहेंगे कि हाँ ऐसा क्यों है। तो ये सावित्री सावित्री जो कहते हैं, फिर ये एक मेरे को वट सावित्री मिल गई जिसका कि कल ही व्रत हुआ है, तो ये वट सावित्री की कथा में भी एग्जैक्टली वही चीज आ गई है। तो वट सावित्री के व्रत में देखेंगे तो वो सावित्री के पति को कुछ तो व्याधि हुई थी जिसके वजह से वो 1 साल में मरने वाला था, और ये उसका 1 साल में मरने वाला है ये अरिष्ट कंफर्म करने के लिए यमराज महाराज आए हुए थे। ये यमराज महाराज आए हुए थे, उन्होंने कंफर्म किया कि 1 साल में ये अरिष्ट दिखा रहा है, ये मरेगा। अब ये सावित्री माता ने उनसे शास्त्रार्थ किया और उनसे जीत गई, और वो फिर भी ये महात्मा बिना उपाय बताए जाने लगे। अंत में जब सावित्री माता ने नमस्कार किया तो गलती से यमराज के मुंह से निकल गया कि अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भो। अब बताया था तो यूं तो निकल नहीं सकते थे, तो यमराज ने खुद बताया कि हाँ ऐसा ऐसा व्रत है वो करो और आगे चिकित्सा करो हो जाएगा। तो
यमराज जो बंदा है, वो बंदा ऐसा है कि वो चाहे जैसा भी है, धर्म है साक्षात, वो गलत कर्मों को बिल्कुल बख्शते नहीं है, मगर एक है कि वो जो कहते हैं वो सच है, वो सच के अलावा और कुछ नहीं कहते। इसलिए यम के जो विधान है उसके ऊपर कोई शंकित होने की शंका ही नहीं निकलती कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ये होना ही है। इसलिए हमने कहा कि अगर यमराज का विधान है तो हम लोग इसको प्रयोग करके देखते हैं। करके हमने प्रयोग करना शुरू किया, और जैसे ही कैंसर का बंदे आते थे, मैं बताता था कि भाई साहब आपको जो है 1 साल के लिए ऐसे गाय के साथ रहना पड़ेगा और गाय का दूध और गोमूत्र पीना पड़ेगा। अब ये गाय का दूध और गोमूत्र वगैरह, अर्थात गाय जो देगी उसका पान करना पड़ेगा। तो ये सब देखा तो फिर हमारी बुद्धि खुल गई कि साले ये तो शोध की चिकित्सा बता रहा है। शोध की चिकित्सा में आपने देखा होगा तो उस दूध गोमूत्र गोबर इन सब का प्रयोग किया हुआ है और वैसे ही किया हुआ है। तो अब शोथ की चिकित्सा में जो वर्णन आया है उसको अगर ये बंदा इस सावित्री व्रत के नाम पे बता रहा है, तो सावित्री व्रत का मतलब ये जिसके लिए ये बताया यमराज ने उसको जरूर किसी न किसी रूप का शोथ होना चाहिए। अब ये शोथ होगा तो ऐसा शोध था कि जो शोध 1 साल में जान लेने पे तुला हुआ था, अर्थात अरिष्ट जिसमें दिख रहे थे ऐसा शोध था। तो अरिष्ट दिखाने वाला शोध होगा तो जरूर ही उसको सन्निपातिक शोध होना चाहिए। हम पहुंच गए सन्निपातिक शोध तक। अब सन्निपातिक शोध हो तभी तो शोध के विधान का सावित्री व्रत के रूप में यमराज ने वर्णन कर दिया। तो हमने हमारी तर्क बुद्धि को लगाया कि उसकी सत्यवान को कैंसर हो गई थी, सत्यवान को सन्निपातिक शोथ ने ग्रसित कर लिया था और जिसकी वजह से वो मरने को था और आयु थी 1 साल शेष। अब सत्यवान की पत्नी ने उसको ये व्रत पालन कराया संवत्सर तक। आगे चिकित्सा केवल अमलक दी थी या क्या वो उधर लिखा हुआ नहीं है कथा में, मगर उसको पालन करने के बाद सत्यवान के 8 पुत्र हो गए सावित्री को। तो अब हम थोड़ा सा इफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर विचार करते चले गए कि जो बंदा 1 साल में मरने वाला है उसके 8 बच्चे हो गए। 8 बच्चे मतलब एक बच्चा होके बड़ा होके दूसरा बच्चा होने में कम से कम 2 साल का टाइम जाता है साहब। तो 2 साल का टाइम गया, इसका मतलब 8 बच्चे हो गए, इसका मतलब ये बंदा 16 साल तक तो जिंदा था। अब ये 16 साल तक बंदा जिंदा रहा तो उसके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई, 1 साल में जो मरने वाला था वो 16 साल तक जिया, 16 गुना उसके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उसको बढ़ा के मिल गई चिकित्सा से। इसका मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा की इफिशंसी आप इसके ऊपर से कैलकुलेट करिए। लोग आजकल भी आपको सारे उपाय करने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बातें करते हैं कि हाँ इतना हम कह सकते हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इफिशंसी बहुत अच्छी मिल रही है आपको। दूसरी चीज और भी मिल रही है कि आजकल के जिंदा रहते हुए ट्रीटमेंट से कीमोथेरेपी और हाथ पैर अवयव कटाने के बाद बंदे देखोगे तो दुखी अवस्था में अब मरा तब मरा हमेशा दुखड़ा लेके जीने वाले मिलते हैं। उससे तो ये बंदे की हालात देखो कि 8 बच्चे हुए, बच्चा होना एक क्रिएटिविटी की मेजर देखी जाए तो 8 बच्चे हो गए, इसका मतलब इस बंदे की क्रिएटिविटी कहीं दुख से भरी या रोते हुए जिंदगी काटने की नहीं थी, बल्कि जो बच्चे पैदा कर सके इतनी क्रिएटिविटी के साथ ही बंदा जिया है। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अश्योर्ड
बाय द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और दूसरा ये भी नहीं कि 1 साल जहां जीने वाला था 16 साल जी लिया, 16 गुना लाइफ की एक्सपेक्टेंसी मिल रही है। इसका मतलब आयुर्वेद चिकित्सा सफल है इस चीज को करने में। तो हम उतर के आ गए कि अब ट्रीटमेंट देनी है, कैसे देनी है, क्या देनी है, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भैया ये करना पड़ेगा। तो गो सेवा हम करने को बोलते थे तो सारे लोग पहले पहले दुबक के भाग जाते थे कि साहब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, गाय कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे। हमारा कहना यही होता था कि बंदे ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते, तेरे को गाय नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो। तो अंत में जा करके कुछ लोगों ने हमारा कहना सुनना चालू कर दिया। उन्होंने जैसे ही कहा कि ये करना पड़ेगा, उन्होंने कहा जी कर देते हैं। तुरंत उन्होंने घर में गाय ला के बांध दी, वो गाय की सेवा करनी चालू की, और फिर उनको बताया कि रोज सुबह सुबह जब उठ के आप दूध 1.5 लीटर दूध और उसमें 50 ml गोमूत्र मिला करके सुबह सुबह पीना चालू करिए, गाय की सेवा करिए, गाय के प्रदक्षिणा लगाइए, और दिन भर जितना दूध पी सकते हैं पीते रहिए, बाकी फिर आपको चावल खा के गुजारा करना है। तो बंदे इसमें चालू हो गए। अब जैसे जैसे गो सेवा करते चले गए तो ठीक भी होते चले गए। अब आलम यह है कि जिस बंदे ने सबसे पहले मेरी बात सुनी थी 2004 में, वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और लोग उसको मतलब 2004 से दवा चालू हुई थी, 2006-07 में उसकी दवा टोटली बंद कर दी थी मैंने कि आज तू तो ठीक हो गया, तेरे को दवा की जरूरत नहीं। तो उसके बाद में अब उसको सरकारी नौकर होने की वजह से लोग पकड़ पकड़ के हर साल एडमिट करा देते हैं और हर साल चेक करते रहते कि इतने तो मर गए, इसके साथ वाले ये क्यों नहीं मर रहा। मगर वो हैरान है कि आज तक ये बंदा 3-4 ऑपरेशन जिसके हो चुके हैं, 2 बार हड्डियां तोड़वा चुका है, फिर भी जिंदा है और ना कैंसर के जिंदा है। इसका मतलब है कि अब मैं पक्का यकीनन कह सकता हूँ कि यमराज का कहना बिल्कुल सही था, और वो उस बंदे को देख करके तो पक्का कैसे कहा जा सकता है कि हाँ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जैसे किताब में लिखा है ऐसे ही होते हुए देखा है और बंदे ठीक होते हुए देखे हैं। तो प्रोग्नोसिस ऑफ लाइफ जिसकी मैंने आपको बात की थी पहले, वही स्लाइड्स आगे जा रहे हैं। द रोल ऑफ रसायना ये भी अपन ने इसमें देख लिया है। तो केवल आमलक रसायन जिसका भी अपन डिस्कस अभी काफी हद तक कर चुके हैं, अदर रसायन और बाकी ट्रीटमेंट का क्या, ये आपका हमेशा सवाल रहता है, तो उसके ऊपर मैं जाऊंगा। शोथ की चिकित्सा करनी है भाई साहब, और मैं आपको इसलिए प्रज्ञान जी माफ करिएगा, लोगों को यही लगा रहता है कि ये बंदा 4 फॉर्मूले बता के चला जाए और जो है हम उसको लगा लगा करके बिना अपना दिमाग यूज करे पेशेंट को ठीक कर दे, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बांधना नहीं चाहता, मैं आपका मित्र हूँ, आपको आपकी गति को रोकना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मैं नाम दवाइयों के अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ, एक दवाइया दो दवाइया चार दवाइया जो मैं यूज करता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको कि सन्निपात है और सन्निपातिक ज्वर में से हमने दवा उठाई है त्रिभुवन कीर्ति रस, और ये त्रिभुवन कीर्ति रस में विनाश ये ज्वरान सर्वान सन्निपातान त्रयोदश त्रयोदश विध सन्निपात जो भी है सबको नष्ट करने की क्षमता इस रस में आई है, और इसलिए हम उसको यूज करते हैं पाचन के लिए और सन्निपात को नष्ट करने के लिए। साथ में गो सेवा का व्रत चलता है और गोदुग्ध और गोमूत्र एकत्र मिलाकर के पान करते हैं। यही प्रयोग शोथ में भी आया है, और आप देखेंगे तो शोथ और रक्त
कि अत्यधिक दृष्टि से जो वातरक्त नाम की व्याधि होती है, जिसमें भी शोथ एक बड़ा सिम्टम होता है, उस व्याधि में भी आप देखेंगे तो महात्मा चरक ने गोमूत्र और दुग्ध को इकट्ठा करके पान करने को शोधन के रूप में विधान किया है, जिससे कि दुग्ध से संतर्पण भी होता रहे और गोमूत्र से दोषों का शोधन भी होता रहे, ये दोनों चीजें इकट्ठी होती रहे। और वो दूध अगर आपकी गो सेवा करने के बाद लिया हुआ धारोष्ण दूध है तो धारोष्णम अमृतोपमम, इसलिए अमृत नाम की अगर इस धरातल पर फिलहाल जो कोई वस्तु बची हुई है तो वो धारोष्ण दूध है, और वो धारोष्ण देसी गाय का दूध पीने से आपको वो सारी अमृत के गुण प्राप्त होने हैं। अब ये अमृत के गुण कहने के बाद अंग्रेजी विद्वानों को समझाना पड़ता है कि भाई ये अमृत क्या है। अब ये अमृत ऐसा अमृत है कि गाय के दूध में एक तो दैट इज द बेस्ट सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स व्हाटसो एवर, 600 टाइप्स के लोगों को पता है, इसलिए उतने प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एक ही चीज में मिलते हैं, ऐसी एक ही चीज दुनिया में है। दूसरी चीज ये है कि कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स जो कि रेड़ी गाय के शरीर से निकलते हैं वो उस दूध में से आपको मिलते हैं, और वो इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो आप उस दूध को ठंडा होने देते हैं या वापस गर्म करके पीना चाहते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हीट सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इमीडिएटली अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म छोड़ देते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए गाय के सामने जाकर के वहीं पे सामने निकाल करके खुद के प्याले में दूध पीना यही असली दवा है। और अब मेरा अनुभव कह दूं कि जिन लोगों ने भी ये गाय के सेवा करने को माना है सारे आज तक जीवित हैं, सारे के सारे निकल चुके हैं, बहुत किसी भी हाल में से निकल चुके हैं, और जिन्होंने भी थोड़ा सा भी बदमाशी करने की कोशिश की या ये सोचने की कोशिश की कि ठीक है भाई वो अलग ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा हम लोग जो है फिलहाल वहां जाके किसी कैंप में रहते हैं और जो ये योगा करते हैं और ये सुबह उबले हुए कुछ खाते हैं और वहां से आने के बाद फिर से गाय की सेवा चालू करेंगे, सबके सब ऊपर पहुंच चुके हैं उबले हुए चीजों में से और बाकी चीजों से क्या मिला पता नहीं, मगर गो सेवा जैसे ही छूटी इनके लाइफ की डोर छूट गई है, इसलिए गो सेवा ये जो करता है वही बचता है, क्योंकि भाई ऐसा है अपन लोग तो धरातल पे भौतिक चिकित्सा करने वाले लोग हैं, अपन कोई बाबा या साधु संत जो दूसरों के कर्मों को खुद के सर पे लेकर के उसका नाश करने पे उतर आए ऐसे महात्मा वगैरह बनना ही नहीं है, मेरे कम से कम मेरे को तो नहीं बनना है। मैं मेरी चिकित्सा की जो कंपाउंड रखी हुई है उसमें आधी भौतिक इतनी ही चिकित्सा करनी है और आधी भौतिक ही चिकित्सा मैं कर अपने को करनी है, दूसरे के कर्म को निपटारा करने वाले संत महात्मा को बनना, जिनको है वो बन ले, मेरे को तो नहीं बनना है, मैं जाता नहीं हूँ। इसलिए पेशेंट को सबसे पहले यही बताता हूँ कि भाई ऐसा है कि तू करेगा अपने कर्मों का निपटारा, तेरा को करना है, जान बचानी, कर्मों का निपटारा होगा तेरे तब जान बचेगी, वो जान गाय बचाने वाली है, मैं रोल मेरा निमित्त मात्र है कि मैं तेरी संप्राप्ति को तोड़ करके, सन्निपात को तोड़ करके भौतिक रूप में जो मॉलिक्यूल्स है और जो दोष है उनके संचय को वहां से निकाल करके तेरे को शुद्ध बना करके लाइफ तेरी बढ़ जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए और स्रोतस क्लियर हो जाए, शुद्ध हो करके तू जिए, इतनी व्यवस्था मैं भौतिक रूप में कर सकता हूँ, बाकी जान बचाने की तेरी काम है वो गाय करेगी, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए ये बताने के बाद अपन आगे जाते हैं और फिर
इसके साथ में आपने देखा होगा कि बहुत सी बार एक चरक ने सन्निपात ज्वर की चिकित्सा जहां पे चली है वहां पे नीचे कुछ पाठ भेद करके कुछ टीका ग्रंथों में एक सन्निपात हर गण करके वर्णन आया हुआ है। और ये सन्निपात हर गण बताने वाला ये अकेला ग्रंथ मेरे को मिला कि सन्निपात हर गण ऐसे करके जिसमें पाठ भेद के लिए ही सही मगर वर्णन आया है। और ये सन्निपात हर गण में से अब मैंने जो विधान निकाला, मैंने जो चीज चूज की वो थी स्वर्ण क्षीरी, हेम भी हेम पुष्पा। और फिर हेम पुष्पा को जब हम देखते चले गए तो इसी चीज का विधान सुश्रुत ने विदर्धि में भी किया है, अपक्व रणशोथ में भी किया है। क्योंकि इस चीज में शोथ में से दोषों को मथन करके बाहर निकालने की जो इसकी क्षमता है वो बड़ी सुंदर क्षमता इस वनस्पति में मिली है। और ये वनस्पति का स्वरस मूल का भागे अनुक्ते जटाम पिबेत, तो भागे अनुक्ते जटाम पिबेत के ऊपर हम लोग जब इसको जटा का प्रयोग मूल स्वरस का प्रयोग करने पे उतर आए तो अत्यंत सरल तरीके से दोष शरीर में से मथ के बाहर निकलते हुए विरेचन के द्वारा गोमूत्र और दूध के साथ हमने देखे। और सन्निपात को आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 महीने के अंदर आपकी त्रिभुवन कीर्ति और इसके मूल का स्वरस अगर साथ में दिया जाए तो सन्निपात को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। गाय सेवा करे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोषों को मथ करके बाहर रोज का रोज बाहर निकालते रहते हैं, इसलिए न पेशेंट को थकान होती है न और कुछ। और पेशेंट दिन ब दिन वर्ण स्वर आदि की प्राप्ति करता हुआ आपको विष के लक्षणों से मुक्ति के लक्षण दिखा करके ठीक होता है। ऐसे ही एक विधान हमने 1990 में एक तमिलनाडु में गए थे सिद्धा मेडिसिन वाले कैंप में, तब वहां एक ब्रह्मानंद जी स्वामी महाराज थे जिन्होंने हमको पढ़ाया था। और उन्होंने एक चीज बताई थी कि वो सिद्धा की मेडिसिन है वेल्लपाषाणम गुटिका। वो वेल्लपाषाणम गुटिका जो है उसमें वेल्ल पाषाण अर्थात संखिया संखिया का प्रयोग स्वर्ण के साथ में उसको शोधन करके उसी के रस के साथ मर्दन करके गोली बना करके उसको प्रयोग वो लोग करते हैं। और मेरे ख्याल में आज तक मेरे को ये बनाने की मोहलत सहूलियत नहीं मिली है, वरना ये एक बहुत अच्छी दवा इसमें से दोषों को सन्निपात से निकालने की बन सकती है। और बहुत उम्दा उसके आगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर इसको काम में लाना है और आगे रिसर्च करनी है तो इस तरह से आगे ये रास्ते खुले हुए हैं, मगर फिलहाल मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इसलिए हम उसको प्रयोग नहीं करते। अब दूसरी चीजें हैं जो कि शोथ की संप्राप्ति को तोड़ने के लिए एक तो संतर्पण की जरूरत है, क्योंकि शोथ के विधानों में आपने देखा हेतुओं में कि सारे शरीर में आयास जनक कर्म जो भी शरीर जिससे कि शरीर का कर्षण हो जाए अर्थात प्रोटीन्स कम हो जाए और अच्छे प्रोटीन्स की संख्या कम होती चली जाए, ऐसे चीजें जो होती है वो वात की वृद्धि करके यहाँ आपको देती है। तो ये गोदुग्ध और गोमूत्र ये दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल मतलब आश्चर्यकारक इसमें रिजल्ट आपको देगी और सही रूप में आप देखते हुए निकलेंगे देखेंगे पेशेंट
तो दूसरी बात, अब ऐसा है कि किस किस अवस्था से हम लोग चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, और किस किन व्याधियों का विचार इसमें चिकित्सा देते हुए करना चाहिए। ऐसा है कि ग्रंथियों का वर्णन आपके यहाँ करके रखा है, मगर चरक महात्मा ने ग्रंथियों का वर्णन जो है वो किसी ग्रंथि अर्बुद ऐसा व्याधि बताता हूँ ऐसा नहीं बताया है। चरक ने त्रिशोथी अध्याय में देखेंगे आप तो एक देशीय शोथ और सार्वदेहिक शोथ इस तरह से जहाँ पे वर्णन किया है, और उसमें ये एक देशीय शोथ के 13 पद 20-25 चीजें बताई है, और वो सारे के सारे उनको आप उठा के देखिए, उसमें से बहुत सारे शोथ आप मिल जाएंगे कि जो कि आज के जमाने में कैंसर कैंसर करके ट्रीट होते हैं। इसलिए आप इसको देखिए और ढंग से लगिए। ग्रंथियों का दूसरा वर्णन जो आता है वो विसर्प में आता है, और विसर्प में ग्रंथि च विविधाकारान जनयति, ऐसा ग्रंथि विसर्प के चिकित्सा में वर्णन में आया है। और ये वर्णन अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि नाम तो अलग है, मगर विसर्प भी तो एक विसर्पणशील शोथ ही है, और शोथ कहने के बाद शोथ शोफ ये सारे मतलब विसर्प की प्रवृत्ति जो है वो शोथ ही है, मगर उसमें एक विसर्पणशीलता ये विशेष होने की वजह से उसको अलग किया गया है। और इसलिए बहुत सारे ग्रंथि रूप में प्रकट होने वाले जो कि शोथ के विधान है, जो कि अद्यतन चिकित्सा के लिए काफी दुष्चिकित्से वगैरह माने जाते हैं, और बहुत सी जगह पे मैं तो जैसे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, अभी अभी कुछ पिछले 1-1.5 साल पहले मेरे यहाँ मेडियास्टाइनल ऑकरेंस ऑफ लिम्फोमा आया था, और वो लिम्फोटिक ट्यूमर थी मेडियास्टाइनम में, और उसको ट्रीट करने पे उत्तर आए थे, सबने सब लोग कैंसर कैंसर करके ही ट्रीट करने पे उत्तर आए थे, मगर हमने कहा कि नहीं ये तो ग्रंथि विसर्प है, उसको ग्रंथि विसर्प की ट्रीटमेंट करी जाए, उसको शोथ ही है, शोथ की ट्रीटमेंट तो करनी है, गाय की सेवा गोमूत्र ये तो चलेगा ही साथ में, मगर उसमें विशिष्ट औषधियां जो देनी है वो केवल त्रिभुवन कीर्ति और यहाँ हरीतकी का उपयोग न होते हुए यहाँ पे ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा अगर करने पे उत्तर आते हैं तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा से ज्यादा से ज्यादा मेरे यहाँ 7 से 8 महीने के अंदर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के सारे ट्यूमर्स डिजोल्व होके निकल जाते हैं और बंदे बाहर निकल आते हैं। इसलिए मैंने जो आपसे कहा कि मैं आपको जो है बद्ध नहीं करना चाहता, मैं आपको बांध के नहीं रखना चाहता कि यही दवाइयां यूज करिए और ऐसा ही करिए, ऐसा मैं कतई नहीं करना चाहता। अपनी बुद्धि को खुला छोड़िए, अपने सामने का पेशेंट देखिए और उसको यूज करते जाइए, और वो करने के बाद जो है आपको सिद्धि जरूर मिलनी है। कुछ कुछ यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में रसायनों के कुछ और अलग ये दे के रखे हैं जो भी मैंने यूज किए हैं आज तक। एक तो त्रिफला रसायन है, दूसरा भल्लातक रसायन है, और मोस्टली भल्लातक को हमने क्षीर के रूप में यूटिलाइज किया है, भल्लातक क्षीर को, और वर्धमान लेने की तो आजकल के लोगों की औकात नहीं है, मगर इक्का दुक्का भल्लातक एक से बढ़ा करके 3 या 5 तक बढ़ा करके फिर से वापस कम करना, या फिर एक ही भल्लातक को या 2 भल्लातक को महीने भर के लिए चलाते रहना, इस तरह से भल्लातक क्षीर का प्रयोग करते हैं ऋतु को देख करके। शीत ऋतु में ही केवल किया जा सकता है, और संभालने की
हिम्मत हो तभी करे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बड़े बड़े विद्वान देने के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप मत फंसिए, फंसेंगे तो भी एक है, निकलने की राह आपको मालूम होनी चाहिए जिससे कि बंदा निकल सके। फिर ब्राह्म रसायन है जो कि स्रोतसों में से दोषों को निकालेगा। आमल का उल्लेख है, अगस्त्य हरित की है, योगराज रसायन है चरको चरक की, और अवलेह है, और च्यवनप्राश है महा कल्याणक घृत है, अमृतप्राश घृतम है। आदर में आप जैसे ही स्रोतस को ठीक करने के लिए लगे ताम्र भस्म का यूज कर सकते हैं। ताम्र भस्म अच्छे आपके सामने नहीं है तो कहीं लीला विलास जैसे रस को प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आपको चाहिए तो आरोग्यवर्धिनी जैसे रसायन को प्रयोग कर सकते हैं। पद्मक है, विद्रुम है, मौक्तिक है, स्वर्णमाक्षिक है, इन चीजों का रसायन के रूप में आपको प्रयोग किया जा सकता है। गोक्षुरादि गुग्गुल है, देखिए शोथ है, तो शोथ में इतना तो पक्का है कि कहीं ना कहीं से जो भी क्लेद के रूप में धातु पिघल के आएंगे उनको बाहर निकाले बिना आप तो पेशेंट को ठीक करने की बात कर ही नहीं सकते। अर्थात गोक्षुरादि गुग्गुल ये एक बहुत परमानेंटली इलाज के वक्त चलने वाली मेडिसिन आपके साथ सामने है। गंभारी फल, इसका बहुत सुंदर प्रयोग देखा है, जहां भी कीमो के साथ में पेशेंट आपके पास आता है या लेके आता है कि विष के सिम्टम्स हैं, नाखून काले हो रहे वगैरह, या उल्लास आदि लक्षण विष के मिल रहे, अरुचि उल्लास, तो इसका शरबत बना करके प्रयोग करने से, या आप उसको आंवले भी बना सकते हैं इस रूप में प्रयोग करके, बहुत अच्छा उसका उपयोग हो सकता है। देवदारू है, देवदारू के बारे में अब क्या कहूँ, भद्रदारू तो सबसे अच्छा वात शामक है, और मेरा वैयक्तिक अनुभव है कि भद्रदारू ये चीज ऐसी है कि जिसका अगर फांट बना करके पिलाया जाए तो कैंसर की कोई भी पेन की जो अवस्था होती है कि हाँ भाई कैंसर की पेन है और वो रुक नहीं रही है, लोग मॉर्फिन दे के 8 दिन में बंदों को ऊपर पहुंचा देते हैं, मगर आपको जरूरत नहीं है, आपके पास सार्कोमा के पेन को भी आप 10 मिनट के अंदर कम कर सकते हो और बिना मॉर्फिन दिए कम कर सकते हो, और आपकी टूल अकेली भद्रदारू आपके पास है तो भी बहुत बड़ी चीज है। और सन्निपात हर कषाय, तो सन्निपात हर कषाय करके जो मैं एक चरक महात्मा की विधि को प्रयोग करता हूँ उसमें यही तो चीज है, शुंठी पुनर्नवा और भद्रदारू, इस तीन चीजों का क्वाथ बना करके अगर सुबह सुबह आपके त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ, और साथ में अगर आपका हेम पुष्पा हो स्वर्णचीरी तो उसके मूल के रस के साथ प्रयोग करें तो सन्निपात को और जल्दी तोड़ा जा सकता है। मेरा अपना भेजा कुछ नहीं है साहब, मैं तो केवल चरक को फॉलो करता हूँ, चलता जाता है, बंदे ठीक होते दिखते हैं। भलातक के बाद देखिए गोमूत्र हरितकी है, कई बार आपको अगर दोषों का संचय है और कम हो रहा है, पिघल रहा है, दिखता है मगर बाहर नहीं जा रहे, तो आप इसका सही काल में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं तो व्याम काल में, कहीं तो समान काल में, या तो सुबह में, अभक्त काल में, मध्य वक्त में, कहीं भी आपको जहां भी लगे कि जहां से दोष निकालना है उस स्रोतस में जल्दी से जल्दी गोमूत्र हरितकी जो पहुंचा सके, उस हालात में, उस काल में गोमूत्र हरितकी का प्रयोग किया जा सकता है। गोमूत्र त्रिफला इसी तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। गोमूत्र हरितकी का प्रयोग करते हुए
मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मगर आपको थोड़ा सा हिदायत दे के रखूं कि बहुत संभल के प्रयोग करना भाई। जब भी दोष निकल जाए तुरंत हरीतकी को हटा लेना, वरना हरीतकी ऐसी चीज है जिसको कि चरक ने जितना महत्व दिया है रसायन में, मगर एक ही चीज ऐसी है जिसके कि एक क्लिनिशियन चरक जैसे ने साइड इफेक्ट्स कह के रखे कि इन चीजों, इन बंदों को जो है हरीतकी नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ हरीतकी, ये चरक महात्मा ने कह के गया है। और एक क्लिनिशियन जब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बातें करके जाता है तो उसके मायने बहुत होते हैं, बहुत मायने होते हैं। इसलिए चरक महात्मा को पालन करिए, सो संभलिए, गोमूत्र हरीतकी को, और गोमूत्र त्रिफला उतना डेंजरस नहीं है, मगर गोमूत्र हरीतकी को आपको बहुत संभल के प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी उसका काम हो जाए उसको बंद करना पड़ेगा। दारू हरिद्रा है, मुस्ता है, चंदन है, आर्गवद है। आर्गवद अकेला है, आर्गवद के साथ कुटकी और सुई मिला के भी गोलियां बना के प्रयोग करी जा सकती है। वो आपके हाथ में है, जैसा चाहो तो यूज करना पड़ता है, उस ढंग से कर दीजिए। विषग्न है, जिसमें आपको विषग्न काम करने के लिए एक तो पंचगव्य घृत जो है आपको पूरे कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा हाथ दे के जाने वाली मेडिसिन है, उसको कभी मत भूलिए। जहां क्योंकि पंचगव्य घृत आया है उन्माद की चिकित्सा में, मगर नीचे लिखते हुए देखेंगे तो सब विष पांडु गर शोथ यही वर्णन आया है। तो मन से लेकर के तन तक जितने भी विष के प्रभाव है उस सबको नष्ट करने का, मन से, मन के शोथ से लेकर तन के शोथ तक सारे शोथों को हटाने का काम ये पंचगव्य घृत कर सकता है। इसको मतलब सर्वोपरि दवा के रूप में आपके सामने हमेशा रहनी चाहिए। किसी की जान बचानी है, कोई भी विष पी के भी आ जाए, और कोई भी विष हो, कोई भी विष हो, सिर्फ नेता काटे तो ठीक होगा कि नहीं मालूम नहीं, मगर बाकी सारे विषों की दवा पंचगव्य घृत बनता ही है। महापंचगव्य घृत को उसका अधिकार हो, कुछ लगे आपको इस ढंग से कि कोई आगंतुक बाधा, आगंतुक प्रयोग हो रहा है, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोकने के लिए आप थोड़ा बहुत महापंचगव्य घृत का यूटिलाइजेशन समझबूझ करके कर सकते हैं, मगर खुद को संभाल के करिए, इन्वॉल्व नहीं होना है। दूसरा है पान भोजन संयुक्त। अब ये तीसरी एक और चीज थोड़ी सी हमने बताते बताते विसर्प के बाद भूल गए कि चिकित्सा करते हुए आपको बहुत सी बार ऐसा होगा कि सारे शरीर में फैला हुआ कैंसर है, और जो है आपको पास पेशेंट आता है कि साहब इसको ठीक करना है, क्या करूं। तो ऐसी अवस्था में आपको सन्निपात और शोथ, ये दोनों जहां एकत्र है ऐसा व्याधि है, सन्निपातोदर या दकोदर। दकोदर की चिकित्सा, दखोदर ये सन्निपातिक शोथ ही है, ये समझ करके वहां भी दोष बाहर निकलते हैं, और वो दोष निकलते हुए देखते हैं तभी उसकी चिकित्सा में ये बात आई है कि सामान्य रूप से चिकित्सा करने पे जहां पे ठीक न हो, तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि ये शीघ्रकारी अवस्था है दखोदर की, ये रुग्ण को बहुत जल्दी खा जाती है, इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए विष का सहारा लेना पड़ता। तो शरीर में विष का प्रयोग किया जाए जिससे कि शोथ करने वाले जो आशुकारी स्वभाव के दोष हैं वो दोष इसमें पिघल जाए, और पिघलने के बाद उसको तुरंत विरेचन दे करके बाहर निकालना है। तो दूसरी बात ये है, एक और चीज इसमें छूट गई है, वो है कि चरक महात्मा ने
ये विष का प्रयोग करने से पहले शरीर को अगध से संस्कारित करने का विधान किया है। शरीर को अगध से संस्कारित करने के बाद अगर विष का पान कराया जाए तो विष पूरे शरीर पे अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, केवल जो व्याधित भाग है, स्रोतस है, अवयव है, उतने पे ही विष का प्रभाव जो है ज्यादा से ज्यादा दिखता है, और वहां से दोषों का विलयन शीघ्र होता है। और इसके लिए उसको विष देने के बाद एक मुहूर्त के अंदर, 48 मिनट के अंदर वो दोष जो है विष वेग चालू होते हैं। 48 मिनट में पहला वेग आता है, तो ऐसे वेग में वो दोष जो है उसके महाकोष्ठ में या अन्नवाह स्रोतस में पहुंच जाते हैं, और अगर आपने उनको उसी वक्त निकाला तो वो आप बहुत इजीली उस वक्त विरेचन औषधियों का प्रयोग करके, श्रवसन औषधियों का, तीक्ष्ण श्रवसनों का उपयोग करके शरीर से बाहर निकालोगे, तो ये सर्व शरीरगत शोथ की जो अवस्था है उसमें से भी आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट बाहर निकलते हुए दिखेंगे। और पर डे, पर यूज ऑफ द विष, अब ये पेशेंट में से आपको दोषों को बाहर निकलते हुए देखने का सौभाग्य मिल सकता है। अब ये किताब में लिखा है कि सांप को फल को काटने को कहा जाए और फिर वो फल खिलाया जाए। भगवान ने मेरे सामने एक मौका दिया था कि एक बंदा था जिसको केमो लेना ही नहीं था और वो केमो लिए बिन ठीक होना नहीं था। तो जब मैंने उसको कहा कि यार ऐसा है कि इसमें आयुर्वेद की केमो कुछ नहीं होती क्या, उसने कहा, तो मैंने कहा हो सकती है, सांप पकड़ के रखो। और अब ऐसा है कि वो बंदे ने खुद ईमानदारी से सांप पकड़ के, वो मेरा इंतजार करता रहा कि मैं आऊंगा और कब सांप को काटा करके फल को काके को खिलाऊंगा और काके ठीक हो जाए, मगर सहयोग नहीं बना। मेरी ओर से गलती है, मैं नहीं गया, वरना मैं भी ये बड़ी आपको प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे कह देता था कि हाँ जी ये तो होता है। उसके सिवा, उसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने जो है ये केमोथेरेपी देने वाले जो दो पैर के सांप होते हैं इनको बहुत यूटिलाइज किया है। ये दो पैर के सांपों को उनको काम करने दीजिए काटने का, मगर जहां सर्व शरीरगत तो सन्निपातिक शोथ फैला हो वहां पे विष दे करके, विरेचन दे करके, साथ में बाकी ट्रीटमेंट चला करके पेशेंट को ठीक करना ये विधान है। इसलिए हम उसको विष, उसकी कीमो को आयुर्वेदिक रूप से प्रयोग कर, उससे पहले कीमो को जाने से एक दिन पहले हम उसको उत्तम मात्रा में घृतमान करा देते हैं पंचगव्य घृत से, जिससे कि शरीर का अगध से संस्कार हो जाए। और फिर दूसरे दिन वो जैसे ही कीमो लेने पहुंचता है तो कीमो देने वाले को हमारी हिदायत यही रहती है तू कीमो देगा, मगर देने के बाद 20वें या 25वें मिनट पे हम तीक्ष्ण श्रवसन पेशेंट को दे देते हैं, 4-5 गोली अभी आरगवध और साथ में तिक्ता या आरगवध या कप और कपिला ऐसे मिला करके 4-5-6 गोली इकट्ठी दे देते हैं। या स्नुही है, स्नुही के क्षीर में आरगवध का घन मिला करके उसको तिक्ता डाल करके गोली बना के दी जाए, बहुत सुंदर तीक्ष्ण विरेचन का काम करती है। ऐसी गोली को हम 20वें मिनट पे पेशेंट के मुंह में डाल देते हैं, जिससे कि 48वें मिनट पे मुहूर्त पे जब विष का पहला वेग आ करके विष दोषों के साथ अब महास्रोतस में प्रविष्ट हो जाए तो वो हम उसी वक्त उसको विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और ये जो 2-4 उसको विरेचन के वेग हो जाते हैं उससे पेशेंट बिल्कुल
ठीक होता है, ठीक फील करता है, और दिन ब दिन मतलब 2 या 4 कीमो में ही उसके जो है रिपोर्ट्स में सारे शरीर में से पेट स्कैन में रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो वो आपके लिए उपलब्धि होती है। जिससे कि लोगों ने मेरे को पूछा है, कैंसर वाले लोगों ने, कि साहब जो है ये आप ये जो करते हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हारे केवल जहर देने से लोग मरते हैं, मैं अलग का प्राय पान करा रहा हूँ जिससे कि शरीर में विष का जो प्रभाव है वो सारे शरीर पे नहीं जाता, वो केवल लोकलाइज हो जाता है, जिससे कि विष की तुम्हारे डोस भी कम लगती है और इधर उधर असर न करने की वजह से विष के केमो के जो साइड इफेक्ट्स उनको मिलते हैं वो मेरे को एक भी नहीं मिलता, और पेशेंट ऊपर से बाहर निकलता है। फिलहाल आपके स्क्रीन पे एक आंटी जी है जिनका कि पूरे ब्रेन में या शरीर में ज्यादा ऐसा कोई ऑर्गन नहीं था जिसमें कैंसर फैला हुआ नहीं था। एक हमारे यहाँ गुरुजी है, उनकी वाइफ के केस है, और ब्रेन तक में इतनी जगह पे कैंसर फैला हुआ था कि वो औरत खड़ी नहीं रह सकती थी, खड़ी रही तो सामने देख नहीं सकती थी, ऐसे हाल में थी। अब उनको मैंने कह दिया कि गुरुजी ऐसा है कि बाकी ट्रीटमेंट तो चलेगी मगर साथ में आपको जो है कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, और कीमोथेरेपी लेने के बाद ये इस तरह के से फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सारा किया, 16 उनको केमोथेरेपी के इंजेक्शन लगे, 4 साइकिल या 5 साइकिल, और यूं तो 1 या 2 साइकिल के बाद ही साइड इफेक्ट आने की वजह से लोगों को कीमोथेरेपी बंद करनी पड़ती है, या बीच बीच में मैरो डिप्रेशन आ गई जी अब तो नहीं हो सकती करके डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसे इन आंटी जी के साथ कुछ नहीं हुआ, 4 साइकिल पूरे होने तक उनको एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया था, न उनके कोई ल्यूकोसाइट्स कम हुए थे या और कुछ ब्लड के पैरामीटर्स मैरो डिप्रेशन के कोई भी सिम्टम मिले थे। और उसके बाद थोड़ा सा लगा था मगर तब उनको पंचगव्य का एक्स्ट्रा डोज दे करके और विषग्न चिकित्सा जैसे कि सुवर्ण भस्म है, सुवर्ण माक्षिक की भस्म है, मुक्ता है, हेमगर बरस है, ये अल्प मात्रा में 5 या 6 मिलीग्राम पर डे इतना ही उसका डोज दे करके और रक्त पे रसायन की चिकित्सा करके उनको बाहर निकाला गया था। और कीमो के सारे साइकल्स पूरे होने के बाद आलम आपके सामने है, रिजल्ट्स के दोनों रिपोर्ट्स भी रखे गए हैं। अगली स्लाइड्स में शायद ये फॉन्ट थोड़ी बार छोटी होने की वजह से पढ़ पाए आप ठीक से, अच्छा है, नहीं तो अगली स्लाइड में देखेंगे तो उसमें केवल उसके इम्प्रेशंस जो है उनके सीटी के पेट सीटी के वो आपके दर्शनार्थ रखे हुए हैं। ये एक केस है। अब ऐसा है कि थोड़ा सा मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम क्या माफ कर दीजिएगा क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है कि सारे केसेस में से इस तरह के रिपोर्ट्स निकाल निकाल करके मैं आपको दिखा सकूं। खुदा करे जल्दी अवसर मिले आपके सामने प्रेजेंट करने का, या आपको जब भी जिज्ञासा है कभी भी आइए मेरे यहाँ, गरीब खाने में आपके आने से बाहर आ जाएगी, देखिए खुद के आंखों से देखिए और तसल्ली हो जाएगी कि हाँ अननोन कॉलर, निकल सकता है इस ढंग से लेने से, और आप देखते चले जाएंगे तो केसेस बहुत है। दूसरी चीज अब रह गई है कि गो सेवा का क्या असर है। तो
गो सेवा के असर के बारे में मैंने उज्जैन में भी बात की थी, तब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई थी मेरे को, तब भी टाइम नहीं मिला था। तो ये एक आरटीजी है हमारे यहाँ, वो आई थी, उनका मैंडिबल सब मैंडिबुलर तंबाकू की वजह से ग्रंथि हो गई थी, निकालना पड़ा था पूरा मैंडिबल, हा हेमी मैंडिबलेक्टोमी करके वो आई थी। और उनकी बेटी जो है वो ऑरा स्कैनिंग वाला जो एनर्जी मेजरमेंट करने वाला कैमरा है और उसके ऊपर एनर्जी की मेजरमेंट करती है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं मेजर कर लूं पहले उनके एनर्जी का स्टेटस क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद आप जब कहेंगे कि वो ठीक हो गई है तो फिर उनका कर ले असेसमेंट। तो ये उन्होंने अपनी माँ का एनर्जी असेसमेंट किया हुआ है। आगे की स्लाइड थोड़ा सा प्रज्ञान जी खिसका दीजिएगा। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी पार्ट्स है, वो आप देखेंगे कि पहले जो चीज सिकुड़ के रह गई थी अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है वो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन आप बढ़ते हुए देखेंगे। प्रज्ञान जी स्लाइड आगे चला दीजिएगा। प्रज्ञान जी स्लाइड आगे का दिखा दीजिएगा। जी गुरु जी, जी जी सर, मैं चला रहा हूँ आगे। आप शुरू रखिए सर। हाँ, वो आगे के स्लाइड में ही वो दो तीनों एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ये है, इसलिए कहा कि वो स्लाइड दिखा दीजिएगा, साथ में चलता रहेगा तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल, मैं चला रहा हूँ सर। थोड़ा टेक्निकल कुछ मिस्टेक है, मैं चला रहा हूँ चले आगे। चलेगा चलेगा बेटा, वो आप देखेंगे स्लाइड चलेगी। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स तक सिस्टम तक पहुंच ही नहीं रहा है, एनर्जी अंदर है लॉक होके पड़ी है। अब जैसे जैसे आप गो सेवा करते हैं, प्री ट्रीटमेंट देखिए, कुछ स्कोर वोर्स दिए हुए हैं, उन्होंने डिटेलिंग भी करी हुई है। आप दूसरी स्लाइड में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देखिए, एनर्जी के स्पाइक्स निकलने चालू हो गए, जो कि एनर्जी कोर में कंफाइन होकर रह गई थी वो अब सारे स्रोतों पे ऑर्गन्स पे बढ़ती चली जा रही है। अंत में देखेंगे आप तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कोर में कम और पूरे ऑर्गन्स पे फैल के दिख रही है आपको। ये अपना गो सेवा का जो इफेक्ट है वो इस तरह से मेजर किया जा रहा है, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयां भी चल रही है। तो एनर्जी लेवल पे गो सेवा का क्या इफेक्ट होता है और गो सेवा का इफेक्ट होता है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके आगे की स्लाइड में आप देखिए कि षट चक्र शरीर में रहते हैं, वो षट चक्रों की एनर्जी लेवल किस कदर डिस्टर्ब्ड है वो भी तीन पिक्चर्स आपके सामने पड़े हुए हैं। प्री ट्रीटमेंट में अलाइनमेंट 73% है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि एनर्जी चक्रों की लेवल चेंज हो गई है और वो सेंटर में अलाइन होते जा रहे हैं, जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 87% अलाइनमेंट है, और पोस्ट ट्रीटमेंट में देखेंगे कि पेशेंट हाँ लगभग ठीक हो चुका है, अब उसका करा लो इन्वेस्टिगेशन कहा, तो पोस्ट ट्रीटमेंट अलाइनमेंट चक्रों की देखेंगे आप तो 96% चक्र एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। और ये एनर्जी लेवल पे जो इम्पैक्ट आता है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और गो सेवा से आता है, और ये मेजर किया जा सकता है। अगर कोई आपको आगे से सवाल करने की कोशिश करे कि आयुर्वेद का क्या इफेक्ट होता है, कि तो ठीक है पेशेंट ही ठीक होते हैं इतना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के रूप में इन इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को हम लोग देख करके दिखा करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो ये है। आपके पास ऐसा होता है तो आप करके दिखा लो, आपके यहाँ की रिसर्च करा के देख लो।
हमारे यहाँ ऐसे होता है, और इसी ढंग से आप देखते जाएंगे तो पेशेंट ठीक होने का तांता बना हुआ है, बिना कहीं लेक्चर दिए, आप ही लोगों ने दो बार बुलाया, आप ही के सामने मैंने ये मेरे को जितना आता है गरीब की झोली को खोल के रख दिया, और बिना कहीं आर्टिकल लिखे मेरे ओपीडी में आ भैया आलम है कि 2 साल से ऑलमोस्ट हर महीने 15 या 16 केस नए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाते हैं। तो काम करने की बात है, काम करते जाइए, आपके सामने कभी भगवान आपको पीछे देखने के लिए टाइम नहीं बचाएगा, ये चलते जाना है। आप देखिए कुछ गलत रहो, गलत बोल गए हो हम, या कुछ अलग बात हुई हो तो थोड़ा सा बड़े दिल से हमको माफ कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई शंका है तो मेरे ख्याल में अब बहुत 1.5 घंटे से मैं आपको बोर कर रहा हूँ, अब थोड़ा आप मेरे को फीडबैक दीजिए, कोई शंका है तो बताइए, मैं जितना हो समाधान मेरे ज्ञान के अनुसार करता जाऊंगा। कैंसर गज केस नहीं, नहीं ठीक है। प्रज्ञान जी, हाँ सर, हाँ जी सर, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा सर, और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, और मुझे लगता है कि सबको बहुत मजा आया इस कार्यक्रम में, और बहुत सारी चीजें सर आपने, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इतनी सरलता से बताई। और सर मैं एक चीज पूछना चाहता था कि स्वर्णक्षीरी, अगर हमें स्वरस नहीं मिलता है तो क्या हम स्वर्णक्षीरी मूल को सुखा के और उसका क्वाथ भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? घन बना के रख सकते हैं, हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि ये हमेशा मिलता नहीं है, तो वैसे ये उसको तोड़ने कोई नहीं जाता, इसलिए साल भर आप जैसे भी चाहोगे उखाड़ के ले सकते हो, मगर अगर नहीं मिलता है तो उसका मूल निकाल करके, पंचांग निकाल करके, केवल उसके जो बीज है वो टॉक्सिक है, उनको प्रयोग नहीं करना है जी, इतना तो पक्का है। तो जहां तक हो सके मूल मिल जाए तो मूल को पाउडर बना के रख सकते हैं, उसका कषाय बना करके, घन बना करके रख सकते हैं, पोटेंशिएट करके, और उसकी राई के बराबर गोलियां बना करके अगर त्रिकोण कीर्ति के साथ दे दे तो वो भी बन सकता है। और आगे रिसर्च की बात चल रही थी तो हमने एक बंदे को लगाया हुआ था, खैर उसने कुछ किया नहीं है जी, मगर उसको बोला था कि जब त्रिभुवन कीर्ति बनाओगे तो हमारे लिए कैंसर की त्रिभुवन कीर्ति ऐसे अलग बना करके देना, नाम भले कुछ और दे देना मगर कैंसर की त्रिभुवन कीर्ति बना के देना, उसमें पहले त्रिभुवन कीर्ति बनाते हुए ही स्वर्णक्षीरी के मूल स्वरस की 3 भावनाएं अलग से लगा करके हमको गोली बना के देना, ताकि हमको ये सारा सव्याप सव्य आगे का करने की विधि न बचे, केवल तुम्हारी गोली हो तो चल जाए जी। सर मैं एक चीज और पूछना चाहता था कि मैंने कर्नाटक में एक जगह देखा कि जिन लेडीज को हिस्टरेक्टॉमी हुई है या फिर पेट ओपन करके उनको डिलीवरीज हुई है, ऐसे कंडीशन में उनके जो स्कार मार्क है वहां से हर साल जब ऋतु चेंज हो, ऋतु संधि में वहां से पस आता रहता है बहुत बार, और कई बार वो कैंसर में भी चेंज हो जाता है। तो कर्नाटक में मैंने देखा कि एक वैद्य क्या करते हैं कि सरसों का तेल लेते हैं 1 लीटर और उसमें स्वर्णक्षीरी समूल पंचांग, पूरे पंचांग को लेते हैं वो 4 लीटर और उसका पाक करके और वो तेल लगाने के लिए देते हैं। तो सर ये कहाँ तक उचित? उचित है, बिल्कुल उचित है। स्वर्णक्षीरी सुश्रुत ने, मैंने कहा ना, विदर्भ जी के चिकित्सा में ही उपयुक्त किया जी। तो विदर्भी में इसका इतना सही प्रयोग होता है कि आप एक रत्ती भर की भी गोली दे दो, या मैं तो कहता हूँ रत्ती तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आजकल के लोगों की इतनी औकात नहीं है रत्ती भर स्वर्णक्षीरी की गोली को संभाल पाए, राई के बराबर गोली भी दे दो,
और साथ में दूध भी पिला दो, तो इतने बढ़िया विरेचन हो करके जो विदरा जी तुमको ठीक होने में महीनों लगते हैं, वो तुमको दिनों में, दो चार दिन में स्कार कहाँ था ये भी पूछना पड़ेगा, इतने हालात पैदा हो जाते। अरे वासन, क्या बात है। सर हमारे सर डॉक्टर राजस्थान राजस्थान में भी स्वर्ण क्षीरी का शोणितज रोगों पे और विदरधि पे और पीड़िकाओं पे बहुत सुंदर प्रयोग लोग करते हैं, जो भी ये जैसलमेर का इलाका है और पुष्कर का, वहां पे बहुत सारे वैद्यों को मैंने देखा है, वो स्वर्ण क्षीरी को बहुत उम्दा रूप में इन व्याधियों में प्रयोग करते हैं और पीड़िकाए, स्किन डिसीजेस सबका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जी सर, अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उन्होंने उसको कट करके रिमूव किया है, और उसकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी जिसमें ईआर और पीजीआर ये दो चीजें उसकी कम हो गई थी, और HER2 ये उसका बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट इसमें बहुत दिन तक देना पड़ेगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम अधिष्ठान हटा दोगे तो स्रोतस तो बंद हो गया, मगर संप्राप्ति कहाँ तोड़ी है? संप्राप्ति अभी तक स्तन्य व स्रोतस में दुष्टि की ही है। तो स्तन्य दुष्टि की चिकित्सा के लिए जो मलपाचक कषाय वाग्भट का गण संग्रह में आया हुआ है, मुस्ता वचाग्नि दिनिशा दीपिकता वाला, उसको क्वाथ बना करके साथ में पिलाते जाओ। और विशेषतः ये रस दुष्टि को छोड़ ही नहीं सकते जब स्तन्य की दुष्टि हो, क्योंकि रसात स्तन्यम, रस से ही स्तन्य की उत्पत्ति है। तो स्तन्य वह स्रोतस का अगर दुष्टि है तो वहां पे त्रिभुवन कीर्ति के साथ आपको रस पाचन भी करना पड़ना है और इधर मलपाचक कषाय दे करके स्तन्य का भी विशेष शोधन करना पड़ता है, पड़ना है पाचन करके। इतना करोगे तो भी तो ईआर बीआर टीआर पीआर जो भी हो गए टीपीआर सब नॉर्मल हो जाएंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। इसमें सन्निपात हर गण कषाय सर कहाँ पर, सन्निपात हर गण कहाँ पर मिलेंगे सर हमें? सन्निपात हर गण तुमको चरक की टीका में, चरक ज्वर में, सन्निपात ज्वर की जहाँ चिकित्सा हुई है वहां पे नीचे बिल्कुल कॉलम के एंड में बताया गया है कि ये सन्निपात हर गण है करके। जी तो, एक दो किताबों पब्लिशर्स है जिनकी किताबों में मुझे ये मिला जी। तो कौन से है अभी मेरे को इतना पक्का याद नहीं है कौन से पब्लिशर की किताब में मिला, मगर वो नीचे लिखा हुआ है कि ये भी पाठ भेद है और इसे ये चरक का एडिशन है करके, मगर अच्छा। उन्होंने नहीं लिखा है, ऊपर नहीं लिखा है, मगर नीचे लिख के रखा है सन्निपात हर गण करके। जी सर। अच्छा सर, ये जो ईसोफेजियल कैंसर के केसेस होते हैं सर, मैंने बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स को भी बोला है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। तो हाँ, पुअर होता है क्योंकि ईसोफेजियल कैंसर और डायरेक्ट स्प्रेड वाले, डायरेक्ट स्प्रेडिंग जो भी कैंसर होते हैं, फिर वो ईसोफेगस में हो या यूटेरस में हो, मोस्टली इन्हीं दो ऑर्गन्स में रहते हैं डायरेक्ट स्प्रेडिंग कैंसर, यूटेरस और ईसोफेगस, और ये दोनों कफ के स्थान हैं और पार्थिव घट शरीर के भाग है, और यहाँ अगर कर्दम विसर्प होता है तो कर्दम ग्रंथि कर्दमाख्यो तो असाध्य विद्यु, ग्रंथि और कर्दम विसर्प उसके जन्म से ही असाध्य होते हैं। इसमें मॉडर्न वाले अलग कुछ बताएंगे, हम अलग बताएंगे, ऐसा नहीं। कर्दम विसर्प हुआ तो भूल जाना, पेशेंट मरने वाला है पक्का जी। उसको ठीक करने की क्योंकि साधनम नत्व साध्यानाम व्याधीनाम उपदिश्यते, असाध्य व्याधियों के साधन बताए ही नहीं है कुछ किताब में, उतनी भी उनकी ये नहीं ली है कि कष्ट नहीं लिए है, श्लोक वेस्ट नहीं किए है कि इस पे कोई क्या दिया जाए जी। हाँ, मगर एक है कि कफज विसर्प और ग्रंथि विसर्प की जो निरपवाद चिकित्सा करके बताई गई है वो अगर प्रयोग की जाए तो लिमिटेड स्कोप तक,
मतलब पेशेंट को जब तक है लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहे, यहाँ तक उस चिकित्सा का उपयोग हो सकता है, मगर भूल से भी ये मत किसी को प्रॉमिस करना कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, नहीं हो सकता। ग्रंथि कर्दमाख्य तो असाध्य विद्नि जी। अच्छा गुरु जी, ज्यादातर लोगों का फोन कैंसर पेशेंट का तब आता है कि अब तो पिताजी के गले से पानी भी नहीं उतर रहा, तो आप क्या करें, ऐसे में ही आता है ज्यादातर पेशेंट्स का फोन। गोमूत्र पिलाना चालू करो, गोमूत्र दूध पिलाना चालू करते हैं तो धीरे 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 करके साले पानी के और भी सारी चीजें खाने लगता है। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल रेक्टम और एनल रेक्टम रीजन के कैंसर्स के भी कई पेशेंट आने लग गए हैं सर, तो ऐसा लगता है दवा वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, कैसे उसको नहीं लगेगा। उसमें हम नहीं, बस्ती सर नहीं लगता, नहीं लगता, बस्ती देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलती मत करना, क्योंकि अगर कैंसर रेक्टम में है और बस्ती दोगे तो ऊपर से इरिटेशन से साले फोड़ फाड़ के ब्लड निकालने लग जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे, आए क्या हो गया। गलती से भी नहीं करना है उसको, शोणित गत व्याधि है, क्योंकि गुदे यह प्राणायतन है जी। कंठौ मर्मत्रयम् बस्ति रक्तम् शुक्रो जसी गुदम, गुदय प्राणायतन मर्म दिया हुआ है और वो मर्म है, इसलिए जहां तक है अगर नीचे के हिस्से में कैंसर है तो इरिटेशन हो, ऐसी कोई बस्ती वस्ती का प्रयोग नहीं करना है। ऊपर से आप पाचन चालू करो, नॉर्मल उपक्रम जो शोथ के है वो चालू करो, उससे बढ़िया फर्क मिलता है। अभी मेरे पास दो बंदे कोलोनिक कैंसर से निकले हुए, बढ़िया से निकले हुए, और उन्हीं के साथ में एडमिट थे बड़े सर्जन यहाँ के, उनकी बीबी एडमिट थी उसी कोलोनिक कैंसर से, वो मर गई और ये जिंदा होके वापस आ गया। क्या बात है सर, मैं विश्वास की बात है, उनका विश्वास नहीं था आयुर्वेद से कुछ हो सकता है, वो मर गई, ये इसका विश्वास था, ये तो गया ही था, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने जितना बताया है उतना करने का, मेरे को बाकी दवा देने की नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, वो मेरी दवा खा करके वहां से कीमो लेकर के वापस आ गया, ईमानदारी से दो कीमो में पूरा निकल गया। जी सर। अच्छा सर, मैंने देखा है कि जो जंत्र ऊर्ध्वगत कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्रेन के ट्यूमर्स हैं ये सब, तो उसमें मैक्सिमम डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको तो छुओ ही मत तुम, और मैंने देखा कि एक एक आदिवासी क्षेत्र में एक है अपने ओमकारेश्वर के पास में, वो वहां पे शल्लकी के बड़े पेड़ है वहां पर, तो वो शल्लकी की गोंद और हल्दी का धूमपान और धूपन पता नहीं क्या क्या करते हैं वो, तो कैसे ब्रेन के ट्यूमर्स पे सर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं, शोथ ही है ना यार, केवल मर्म स्थान में शोथ है, मर्म स्थान में शोथ है। तो मर्मस्थान में अगर शोथ है तो मर्मस्थान के शोथ को पालन किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। मैंने जैसे कहा कि धूप वो बहुत सही करता है, शल्लकी का धूमपान कराना, गुल का, और ये स्रोतोशोधन चिकित्सा है। अभी मैं बता दूं, अगले 21 तारीख को जून के सुबह में वो कोटकल वालों की सेमिनार है इमरजेंसी पे, तो उसमें मैं ये शिरो मर्माभिघात पे ही 2 घंटे मेरे वहां पे सुबह लगने हैं। अरे वाह, चलिए फिर से सौभाग्य मिलेगा सर सुनने का। हाँ, शिरो मर्माभिघात में चिकित्सा कैसे की जा सकती है, ये सब किया जा सकता है। और धूमपान को बिल्कुल हल्के में मत लो, दैट इज द फास्टेस्ट मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम इन द केस ऑफ ब्रेन डिसीजेस, फास्टेस्ट मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम है वो, क्योंकि तुम उधर में से कितना भी दे दो, इन्फ्यूजन में से दे दो, कितना भी ब्लड में से डायरेक्ट आईवी में ठोको दवा, ब्रेन तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि ब्रेन को गार्ड करने के लिए बॉडी के ब्लड ब्रेन बैरियर्स का मैकेनिज्म इतना तगड़ा है कि तुम कुछ भी दोगे तो अंदर कितना छोड़ना है ये बॉडी तय करती है, और उतना ही मेडिसिन अंदर पहुंचता है, इसलिए दवा अंदर पहुंचने में
दिक्कत आती है, और इसलिए मॉडर्न वाले कहते हैं कि इसको तो हाथ मत लगाओ। जी उनके दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए दवा नहीं पहुंच सकती। आयुर्वेद के दिमाग पहुंच सकते हैं। आयुर्वेद धूम यूज करता है, आयुर्वेद नस्य यूज करता है, जिसके द्वारा अति शीघ्र 6 सेकंड के अंदर दवा को विदाउट ब्लड ब्रेन बैरियर में फंसे सीधे ब्रेन में पहुंचाया जा सकता है। सर सर जैसे आपने धारोष्ण दूध को सबसे श्रेष्ठ बताया है, इसी तरह से गोमूत्र के बारे में सर थोड़ा स्पेसिफाई करिए ना कि एकदम तुरंत निकला हुआ या गोमूत्र अर्क निकाला हुआ या छाना हुआ, कैसे? अर्क निकाला हुआ मत यूज करना, क्योंकि अर्क निकालते हुए वो बाबू मुशाय है सुनील जी के फ्रेंड नागपुर में, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था। उन्होंने तो गोमूत्र पे देश को 15-20 पेटेंट दिए हुए हैं, तो उन्होंने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया कि गोमूत्र को जब उबालते हो या कुछ करने जाते हो तो उसमें से जो इवेपोरेबल सब्सटेंसेस है पूरे उड़ के निकल जाते, तो जो बचता है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। उसके बजाय गोमूत्र को जैसा है वैसा ही रखो जी। थोड़ी गंध ज्यादा आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बंद करके बोतल में रख दो, वो भी उसी में से लोगे तो चलेगा, ताजा मिल जाए। और कैंसर के पेशेंट में तो गो सेवा ही करनी है, इसलिए रोज ताजा मिलना ही है उसे, उसको तो और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। उसको छानना है, गोमूत्र को छानना है कि सीधा निकल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल छान के लेना है आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ हम लोग साफ सुथरा ले रहे हैं, बाकी पड़ता। ठीक है सर, बहुत अच्छी बातचीत से रही सर। हमारे साथ डॉक्टर चेतन जैन है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे एक के भी बहुत मजबूत हमारे स्तंभ है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर चेतन जैन सर को फॉरवर्ड करता हूँ। प्लीज सर। यस थैंक यू। चेतन सर आप ऑडिबल नहीं है, चेतन सर ऑडिबल नहीं है, अनम्यूट करिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम एवं साथियों को मेरा नमस्कार। विगत 2 महीने से जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमारे एक ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूसली समस्त गुरुजनों के लेक्चर्स हो रहे हैं। आज इसी लेक्चर की श्रृंखला में हमने वैद्य आशुतोष पाटनकर जी का कैंसर पर बहुत ही मार्मिक लेक्चर सुना, जिसमें उन्होंने कैंसर से रिलेटेड सारा, जैसे उसके हेतु, उसकी संप्राप्ति, वो किस तरीके से रोग हो रहा है, क्या उसके डिवाइडेशन होने चाहिए, क्या उसका संप्राप्ति बननी चाहिए, कैसे उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा में भी खासतौर पर भले से ही वो चरक के बताए हुए सोच से चिकित्सा करनी हो या सन्निपात की चिकित्सा करनी हो, आगे उसकी विष की चिकित्सा हो, और खासतौर पर गौ सेवा का जो महत्वपूर्ण आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है वो बहुत ही सुंदर था। इसके लिए मैं एक ऐप की तरफ से, सभी वैद्यों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, और आपने जो हमारे लिए समय निकाला वो बहुत ही, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही एक ऐप के जितने भी हमारे साथी हैं जिनने इस लेक्चर को सुना एवं जिनने लेक्चर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करा, वो सभी भी काफी इसमें बधाई के पात्र हैं। एक ऐप संस्था जितने भी प्राइवेट उन सभी हित के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी ये इसी तरह से काम करती रहेगी। जितने भी वैद्यों ने अभी इस स्टूडेंट्स ने जिनने भी इस लेक्चर को सुना, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के पेज को लाइक करें, हमारे इस ग्रुप से जुड़ें, इसकी सारी डिटेल्स हम लोग ग्रुप पे डालते रहेंगे कंटिन्यूस, अपने पेज पे इसको अपडेट करते रहेंगे कैसे आप ग्रुप में आ सकते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, और इस तरह से आगे भी और भी महान वैद्यों के हमें लेक्चर आगे सुनने को मिले, ऐसा हम लोग कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहेंगे। मैं आशुतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे सभी वैद्यों का जो प्रैक्टिस में है, जो आगे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान में अतिशय ही वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर